नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खमार। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली सीड डिलीवरी करते हैं। देखिए, हम लोग जब भी हाई डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं तो भी दोनों चीज हमारा सामने आ जाता है। एक होता है पानी बदलना और एक होता है एयरेशन लगाना। लेकिन एक काम हम तब करते हैं जब हमारा मछली का कोई प्रॉब्लम आए, नहीं तो हमारा तालाब के कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन इससे पहले अगर जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक हम महीनों के अनुसार चलते तो ये प्रॉब्लम, ये इतना दवाई वगैरह लगाने का शायद जरूरत बहुत कम पड़ता। दोस्तों, आज का एक छोटा सा टॉपिक हम आपके सामने लेके आया है कि हम लोग वाटर एक्सचेंज तो करें लेकिन कौन सी महीनों में कितना परसेंटेज करें, एयरेशन तो चलाए लेकिन वो कौन सी महीनों में कितना देर तक चलाए। चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। एयरेशन, हमारा एयरेशन के बारे में दो तीन बात बोलना चाहता हूं कि एयरेशन आप 2 HP का या 1 HP का आप लगा सकते हो। 2 HP का 4-wheeler जो अभी मार्केट में चल रहा है, 1.5 acre के ऊपर भी कवर कर लेते हैं। हाँ, बजट थोड़ा ज्यादा है, इससे सस्ता में यहाँ पर बंगाल में ज्यादा देखने को मिलता है भेंचुरा, भेंचुरी एक्चुअली बोलते हैं, तो वो एयरेशन यानी वो 1 HP में आप 6 channel लगा सकते हो। ये आप घर में भी तैयार कर सकते हो और ये आप दुकान में भी मिलना शुरू हो गया है, तो ये बजट में भी आता है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाता है भेंचुरी एयरेशन। तो ये आप देख लेने के बाद, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो भी है कैसे आप बना सकते हो, वो भी आप बना के इसको काम चला सकते हो, नहीं तो रेडीमेड भी आप ले सकते हो। तो ये 1 HP यहाँ पर आसानी से 1 acre कवर कर लेते हैं। तो वीडियो जैसे हाई डेंसिटी का है इसीलिए यहाँ पर अमोनिया को हमको खत्म करना है, पानी में गैस वगैरह नहीं हो तो ही हमारा असली मकसद है, क्योंकि फार्मिंग हम हाई डेंसिटी में कर रहे हैं यानी कैटफिश फार्मिंग के ऊपर ही हम ज्यादा यहाँ पर बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं वाटर एक्सचेंज और एयरेटर दोनों ही लिखा। वाटर एक्सचेंज यानी कि पानी बदलना तालाब से, ये सबसे अच्छी तरीका है और सबसे इफेक्टिव रोल प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में देखा जाए तो ये पानी एक्सचेंज करने का सुविधा हर जगह नहीं मिलता और एयरेशन उसमें हम लोग यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा पानी एक्सचेंज करने का सुविधा नहीं है। रात को ही एयरेशन का जो टाइम हमने लिखा है वो रात का टाइम है, क्योंकि रात में देखा जाए तो ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत रहता है। तो क्योंकि प्रति घंटा में, एक आप जानकारी लीजिए, प्रति घंटा में ऑक्सीजन 4 से 5 kg का ऑक्सीजन पॉन्ड में लगता है रात को, ठीक है। तो मैं एक बात मेरा हर यूट्यूब मतलब वीडियो में बोलता हूं कि फार्मर बनिए, लेकिन सिर्फ फार्मर बनने से नहीं होगा, प्रोग्रेसिव फार्मर होना चाहिए। यानी कि सामने हमारा जो नेचर दिन के दिन चेंज होते जा रहा है, हम उसको यूज करके, वो चेंजिंग मेथड यूज करके हम कैसे फार्मिंग को आगे ले जा पाएंगे। इसीलिए पानी का जांच करना शुरुआत से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेगुलर बेसिस टेक्नोलॉजी के साथ चलने का मतलब हमको एक रेगुलर हमारा हैबिट होना चाहिए, जिससे हम मछली फार्मिंग में और भी आगे बढ़ सके और प्रॉफिट कमा सके। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने मंथ लिखा है, बहुत ही छोटा लिखा है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, मैं मुंह से ही बोलना शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने पहले लिखा मंथ, उसके लिखा वाटर एक्सचेंज यानी कि पानी बदलना, टोटल जितना तालाब में पानी है उसका ही टोटल का बात करेंगे हम परसेंट के हिसाब से, यानी कि पानी बदलना और बाद में हमने लिखा एयरेटर। तो मैंने पहले शुरुआत किया जनवरी। देखिए, ये चार्ट मैंने इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बात अगर पॉन्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए तो, अगर प्रॉब्लम आए जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी में बोला पानी बदलना जरूरत नहीं है, एयरेशन चलाना जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पॉन्ड में कुछ पुराना मछली रह चुका है, उस वजह से आपको अगर जरूरत पड़ रहा है तो चलिए, एक एक रेगुलर फार्मिंग है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो सीड पालन करते हैं
यानी कि फ्राई फिंगरलिंग बना के बेचते हैं या स्पॉन को फ्राई या फिंगरलिंग बना के बेचते हैं, उसके लिए नहीं है। एक ग्रो आउट पॉन्ड के लिए है जो नेचुरल फार्मर है, ओनली फार्मिंग करते हैं और टेबल साइज मछली बाजार में बिकता है। तो जनवरी महीने में मैंने बोला जरूरत नहीं है, जो अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, ये रेगुलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो चलाना ही पड़ेगा या पानी फेंकना ही पड़ेगा। फरवरी में मैंने बताया थर्ड एंड फोर्थ वीक, तीन सप्ताह या चार सप्ताह में, तीन नंबर सप्ताह एक मंथ का, चार सप्ताह में थर्ड वीक और फोर्थ वीक, इसमें आप वीकली मतलब थर्ड वीक में 20% पानी बदल लीजिए और फोर्थ वीक में 20% पानी आप बदल लीजिए। बाहर से पानी आप पॉन्ड में एक ट्यूब के साथ दीजिए, पाइप के साथ दीजिए, और वो बाहर चला के आपको खेती में जाएगा, तो उससे भी नाइट्रोजन का आपको जो फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन है वो फर्टिलाइजर भी आपको 10-15% आपका खेती में कम देना पड़ेगा। अगर ये पानी उगल के वो आपको जो पॉन्ड है पैटी है यहाँ पर जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो वहां पर जाएंगे तो कम देना पड़ेगा। तो फरवरी में थर्ड या फोर्थ वीकली आप 20% और एयरेशन चलाएंगे, पानी एक्सचेंज यानी कि पानी बदलना, और एयरेशन चलाएंगे तो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। मार्च महीनों में देखा जाए, मार्च महीना फरवरी के बाद मार्च महीना 5 दिन हर 5 डेज 5 दिन गैप में 20% पानी बदलना पड़ेगा। 20% पानी बदलिए 5 दिन का गैप में महीनों भर, ठीक है, ये मार्च का बात कर रहे हैं महीनों भर। और अगर एयरेशन का बात करें तो रात 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा, ये मार्च का बात है। अप्रैल जब भी आएगा सेम बात है, 5 दिन के गैप में आप 20% का पानी बदल के चलिए पूरा साल भर, और रात में एयरेशन चलाइए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। मई महीनों में कुछ कुछ जगह में बारिश हो जाता है, कुछ पानी आ जाता है, अगर नहीं आए तो आप फरवरी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ वीक में 20% पानी बदलना, या मार्च महीना का जो सिस्टम है या अप्रैल का सिस्टम भी आप लगा सकते हो, 5 दिन का गैप में आप 20% पानी बदलना। अच्छा, ये मई महीना का बात हो गया, और एयरेशन जो चलाएंगे वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाएंगे। उसके बाद आता है जून महीना, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून महीना, जून महीना का पानी बदलने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एयरेशन चलाएंगे उसी दिन ही चलाएंगे जिस दिन पूरा बादल छाया हुआ है, यानी कि क्लाउडी वेदर है उसी दिन। और उसके बाद जुलाई हो गया, जुलाई में भी पानी बदलने का कोई जरूरत नहीं है, और नाइट में आप रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक एयरेशन चलाएंगे, मतलब जिन लोगों का पानी बदलना है पानी बदलिए, एयरेशन चलाना है एयरेशन चलिए, दोनों एक साथ करने का जरूरत नहीं है। जुलाई हो गया, और उसके बाद जून जुलाई, उसके बाद आता है अगस्त की बारी। अगस्त में आप इसमें देखा जाए तो आप मतलब पानी बदलना कोई जरूरत नहीं है, और इसमें आप एयरेशन ही रात 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे चलाइए। अच्छा, उसके बाद आते हैं सितंबर महीना, सितंबर महीना में थर्ड एंड फोर्थ वीक में, जैसे मैंने फरवरी में किया, तीन और चार सप्ताह में वीकली आप 15%, उसमें 20% किया था, यहाँ पर 15% हमको बाद में बदलना पड़ेगा, और जिन लोगों का एयरेशन चलाना है वो सेम यानी कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक एयरेशन चलाएंगे। उसके बाद आता है अक्टूबर महीना, अक्टूबर महीना में हर 6 दिन में आप 20% मतलब प्रति 6 दिन में आप 20% पानी बदलिए, ठीक है, 20%, और एयरेशन आप रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर आप हर प्रति हफ्ता में इस यानी कि महीनों में 4 हफ्ता और हफ्ते में एक बार आप 20% पानी बदलिए, और ये आपको सेम ही होगा एयरेशन जो लोग चलाएंगे रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक। दिसंबर में ना पानी बदलने का जरूरत है ना एयरेशन चलाने का जरूरत है। मोटा मोटी एक आइडिया देने का आपको कोशिश किया, जिसके आप लगा के कुछ फायदा हो सके, कुछ
मछली का अच्छे से ग्रोथ हो सके और मछली फार्मिंग में थोड़ा बहुत हमको लाभ दिखे। तो ये सिस्टम इन जनरल है, साल भर ये अगर आप मेंटेन कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा मतलब टेंशन लेने का बात नहीं होगा मछली फार्मिंग में। तो कोशिश कीजिए यही लगाने का। अगर इससे अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको मान लीजिए एयरेशन या पानी बदलने का जरूरत पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ये इन जनरल एक मेथड है, वो देखना पड़ेगा आपका सिचुएशन, आपका मछली पालन का तरीका, सब कुछ डिपेंड करता है। आपका ओवर फीडिंग देने का तरीका ये भी बहुत ही गलत है, तो ये भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हम लोग ऐसे भी टाइम में एयरेशन या पानी बदलना पड़ता है जरूरत पड़े तो। तो ये मैंने एक कोशिश किया, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आगे जाके भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। कैसे लगे हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बांग्ला कृषि खमार का यूट्यूब चैनल अगर अच्छी लगे तो ही शेयर करना या सब्सक्राइब करना। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद।